Hello students, welcome on the YouTube channel of Sri Shyam School. Today I am going to teach 11th chapter of EVS for first class. So let's start. आज हम EVS का 11th chapter करेंगे. Chapter name है Good Manners. देखो नाम से पता चल रहा है Good Manners मतलब कि एक अच्छा तरीका, मतलब हर एक बच्चे को बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, कहीं लेके गए हैं उसके घर, मतलब एक तरीका होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, अच्छा व्यवहार करे वो दूसरे आदमी के साथ, उसे बोलते हैं गुड मैनर्स. आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि गुड मैनर्स क्या क्या होते हैं और कैसे सीखते हैं हम. ठीक है, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स मेक वेल मैनर्ड चिल्ड्रन. वी लर्न गुड हैबिट्स इन अ स्कूल एंड एट होम. चिल्ड्रन हैविंग गुड मैनर्स आर गुड लव्ड बाय ऑल. देखो जो मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स हम कहाँ से सीखते हैं, मोस्टली स्कूल से सीखते हैं और घर से सीखते हैं. ठीक है, अपने जो बच्चा गुड मैनर्स यूज़ करता है वो सबको ही अच्छे लगते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं. आप किसी के घर जा रहे हो, बहुत अच्छे से मतलब कि उनको बातें कर रहे हो, उनको विश कर रहे हो गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल, तो सब आपको प्यार करेंगे ना कि ये बच्चा कितने अच्छे से बोल रहा है. तो उस बच्चे को सभी प्यार करेंगे जो अच्छे से गुड मैनर्स दिखता है. ठीक है, वी शुड ऑलवेज ग्रीट आवर एल्डर्स एंड टीचर्स. हमें अपने से बड़े, एल्डर्स होता है अपने से बड़े, और जो अपने टीचर्स वगैरह होते हैं सबको अच्छे से विश वगैरह करना चाहिए. सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो आफ्टरनून बोलना चाहिए, तो मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, आगे है गुड मैनर्स. अब हमारे गुड मैनर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना कि देखो ये इरेजर दे रही है इस बॉय को. अब वो कैसे दे रही है, देखो, से प्लीज़ इफ़ वी वांट समथिंग. देखो जब हमें किसी से चीज़ लेनी है, सपोज़ आपको घर में ही लेनी है या स्कूल में किसी से बुक लेनी है, पेंसिल लेनी है, इरेजर लेनी है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे इरेजर दे दो, तो मतलब कितना रूडली सा हुआ ना बोलना. हम कैसे बोलेंगे, किसी लड़की से ले रहे हैं तो हम बोलेंगे दीदी प्लीज़ गिव मी यूर इरेजर. दीदी प्लीज़ मुझे आप अपनी इरेजर दे दो. कितनी पोलाइटली है ना, सॉफ्टनेस है ना आवाज़ में. तो ऐसे बोलेंगे जब हम किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी भी बॉय से लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, भैया प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल दीदी, ऐसे बोलेंगे. ठीक है, जब भी हम किसी से कोई चीज़ लेंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्लीज़. देखो ये हाईलाइट है, प्लीज़ यूज़ करेंगे. ठीक है, ये आता हमारे गुड मैनर्स में. नेक्स्ट है देखो, ये क्लासरूम है, ये देखो. अब डू नॉट शाउट इन द क्लासरूम. शाउट होता है चिल्लाना. हमें क्लासरूम में शोर नहीं मचाना चाहिए. ठीक है, देखो क्लास, हम स्कूल गए हैं, मैम नहीं है हमारी क्लास में, तो हम कैसे बैठेंगे, साइलेंट बैठेंगे ना, शाउट नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे. तो ये भी क्या है, गुड मैनर्स है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, से वेलकम व्हेन समवन कम्स टू आवर होम और व्हेन समवन सेज थैंक यू. देखो हमारे घर कोई आया है तो हम उसको क्या करेंगे, वेलकम ही करेंगे ना, कि वेलकम सर, वेलकम मैम. ठीक है, कोई हमें कुछ दे रहा है तो क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे. ये भी हमारे गुड मैनर्स में आता है. देखो आप ये पिक्चर में देख रही है ना, ये किसी के घर आए हैं तो क्या बोल रहे हैं, वेलकम सर, कि आओ हमारे घर, कितना अच्छा लगता है ना हम किसी को बोलते हैं वेलकम, आइए, है ना. नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, विश योर एल्डर्स एंड टीचर्स एवरी डे. हमें हमेशा अपने टीचर से, अपने से बड़ों से हमें विश करना चाहिए. सपोज गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग मैम, इवनिंग है तो गुड इवनिंग मैम, ऐसे रात को गुड नाइट अपने मम्मा पापा को बोलते हैं ना, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा. तो ये क्या है, एक मैनर्स हैं, अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स. तो हमें हमेशा विश करना चाहिए अपने से बड़ों को. देखो ये पिक्चर में देखो, टीचर को करना है ना गुड मॉर्निंग मैम. नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, से सॉरी इफ़ वी हर्ट समवन. आपस में टक्कर हो गई, मान लो हमसे किसी से चोट लग जाती है या हमसे कोई गलती हो जाती है, या देखो ये पिक्चर में आपस में टक्कर हो गई है, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी. कौन सा करेंगे, सॉरी. ओ आई एम सॉरी प्राची. देखो इसमें क्या, ओ आई एम सॉरी प्राची. कोई भी मिस्टेक हुई है तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा. कोई भी हमारे फ्रेंड है उससे गलती हुई है, सॉरी राम, सॉरी श्याम, ऐसे करेंगे ना. मतलब कि सॉरी वर्ड हम यूज़ करेंगे, किसी को भी हर्ट नहीं करते तो हम सॉरी यूज़ करते हैं. ये देखो अभी हमने क्या किए थे, सारे गुड मैनर्स थे. गुड मैनर्स में क्या आता है, प्लीज़, सॉरी, और क्या आता है, अपने एल्डर्स टीचर्स को विशेज़ करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और शाउट नहीं करते क्लासरूम में,
कोई आता है तो उसको वेलकम यू होम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे हैं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव एनिमल्स प्लांट एंड ट्री। देखो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़े को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। और किस किस को? लव एनिमल्स मतलब कि जो ये जानवर्स होते हैं कुत्ता बिल्ली, इनसे प्यार करना चाहिए। प्लांट एंड ट्री का भी हमें ध्यान रखना ही चाहिए, ये नहीं कि उन्हें तोड़ फोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? डस्टबिन। और ये गर्ल क्या कर रही है? डस्टबिन में कूड़ा डाल रही है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज थ्रो द वेस्ट थिंग्स इन टू द डस्टबिन। जो भी हमारी ख़राब चीज़ें होती हैं, हमने यूज़ कर ली, वो वेस्ट हो गई है, तो हम उसे कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। कभी भी हमें चीज़ें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, गंदी चीज़ें हमेशा डस्टबिन में डालनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड डोंट पुश अदर वाइल स्टैंडिंग इन अ क्यू। देखो ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड में सब सिक्वेंस में जा रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं। हमें कभी भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए स्टैंड पे। धक्का मुक्की करेंगे तो कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो हमेशा हमें क्यू मतलब लाइन में रहना चाहिए, पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। देखो लाइन में जा रहे नहीं, ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टाइम पे पहुंचेंगे और कोई गिरेगा नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। तो हमेशा हमें क्यू में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ बाई चांस वी सनोज इन फ्रंट ऑफ समवन वी शुड कीप अ हैंड क्रश ऑन आवर नोज एंड सेज एक्सक्यूज मी। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये दो बंदे आपस में खड़े हैं, इसकी क्या आ गई? छींक आ गई है। सनोज होता है, सनीज होता है छींक, ठीक है। मतलब कि आपकी छींक आ गई, तो ये नहीं हम किसी के सामने के वाले के ऊपर ही छींक देंगे, हमेशा क्या करेंगे? रुमाल लगाएंगे अपने मुँह पर, ठीक है। ये होते हैं गुड मैनर्स। या फिर हम बोलेंगे हमें छींक आ रही है, तो हम एकदम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, साइड में हट जाएंगे तब छींकेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है? गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं। कभी भी किसी के मुंह पे नहीं छींकना है, साइड में होके बोलना एक्सक्यूज मी, या फिर अपने मुंह पे रुमाल रखो। देखो ये रहा पिक्चर में। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स और बर्ड्स। टीज होता है छेड़ना। कभी भी हमें किसी भी एनिमल्स, किसी भी बर्ड्स को छेड़ना या पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डोंट स्पिट ऑन द वॉल। स्पिट होता है थूक फेंकना। देखो ये पिक्चर में थूक फेंक रहा है ना, हमें दीवारों पे नहीं थूकना चाहिए, डस्टबिन में ही थूकना चाहिए, ठीक है। नहीं थूकना चाहिए दीवारों पे। इट इज़ वेरी बैड मैनर्स, बहुत गंदे मैनर्स होते हैं, ठीक है। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल एंड एट अ होम। देखो हमने सेफ्टी रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें हमेशा स्कूल में घर में अपने सेफ्टी रूलों को फॉलो करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू। और रोड पे भी हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। रोड के कभी भी मिड में नहीं चलना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाएगा, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। दीज रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ फ्रॉम मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट। हम ये रूल्स फॉलो करेंगे ना, तो हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग मीन्स कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना नहीं होगी। हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स होम में भी करने चाहिए, स्कूल में भी करने चाहिए और रोड पे भी करने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, EVS का 11th चैप्टर था। इसमें हमने गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा है, तो सभी बच्चे ये गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स सब फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई बुरा, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा रूडली, सब पोलाइटली बोलेंगे। और पता चल गया ना कौन कौन सी गुड हैबिट्स और मैनर्स हैं, ऐसे ही हम इन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको टिक करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। वेयर शुड वी थ्रो द फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स? ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, इन अ डस्टबिन। कहाँ फेंकने चाहिए? डस्टबिन में फेंकने चाहिए हमें छिलके वगैरह। वी शुड सेज डेस इफ़ यू मेक अ मिस्टेक। जब भी मैंने आपको बताया था ना, अभी पढ़ा था, जब भी हमसे कोई भी मिस्टेक होती है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, नथिंग या सॉरी? क्या बोलना चाहिए? सॉरी, राइट इज सॉरी। ये देखिए सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपको राइट आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको देखो ऊपर ऑप्शन में दिए गए हैं वर्ड्स, राइट वर्ड्स, और जो आपको जो राइट वर्ड लगता है वो आप फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक में टिक द करेक्ट करेंगे
और क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर है, इनकी मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे इस गुड मैनर्स गुड हैबिट्स के बारे में अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।